This is lecture number 14 for class 12. The name of the chapter is Electrostatics. I am going to start electric dipole. Di means two, pole means pole. One is negative pole, other is positive pole. The definition is the two equal and opposite charges separated by small distance is called electric dipole. हम लोगों के पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ये मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस है एल, ये हो गया डिस्टेंस एल। टोटल डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 2L। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड वी हैव अनदर टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इनटू 2L मींस प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज वैल्यू वैल्यू है ओनली वैल्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में होगा। डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। एंड द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम इनटू मीटर। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, लेंथ मीटर। सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। Find net dipole moment for the system. The system will be a y, ये minus q, ये plus q, ये plus q. तो obviously बात है कि यहाँ पे एक dipole बनने वाला है, क्योंकि ये distance हो जाएगा a, a में a दिया हुआ है a, तो ये direction में dipole बनेगा, okay? And मान लेते हैं dipole है p. दूसरा ये भी negative है, positive है, so ये direction में dipole मिलेगा हम लोगों को. तो ये भी हो जाएगा मतलब पी के डेटा सेम है, डिस्टेंस सेम है, ए डिस्टेंस है। सो अभी दो पाइप डाइपोल है, दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट उनको रिजल्टेंट जो है मिडिल से जाएगा, ये एंगल कितना होगा 45। तो रिजल्टेंट डाइपोल पी टी पी टू एल विल बी वेक्टर सम करेंगे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। याद है ना मैं वेक्टर पढ़ाया था वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में हम लोग पढ़ा था ना। That is very very important. अभी समझ में आ रहा है? हाँ। So PT क्या हो जाएगा आपका 2P² यानी √2P। So यहाँ पे P कितना होगा? P हो जाएगा आपका Q into A. तो answer will be QA √2 कूलम into मीटर। Simple question था, समझाने के लिए बताया मैंने। ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है जनरली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। दो केस है, देयर इज टू केस। वन इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। जैसे मान लो कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 2L। ये एल है, ये भी एल है, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2L। सो इस एक्सिस में लाइन ऑफ जॉइनिंग का जो एक्सिस है, एक पॉइंट में एक डिस्टेंस में यहाँ से लेके आते एक पी पॉइंट में हम लोग डाइपोल निकालना है। तो अभी हम सेंटर से, ये सेंटर मिडिल पॉइंट से, एक मिडिल पॉइंट से पी पॉइंट तक एक पैरामीटर लेते डिस्टेंस एक्स एक्स। अभी ये प्लस क्यू का एक यहाँ पे फील्ड होगा, एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डाइपोल का वजह से। तो यहाँ पे कितना फील्ड होगा वो निकालना है। तो प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एक्सटर्नल। तो मान लेते हैं कि उसका फील्ड है ई टू, और एक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू का चार्ज का इस पॉइंट में कंट्रीब्यूशन होगा फील्ड का, माइनस क्यू का भी एक कंट्रीब्यूशन होगा। बट ये जो फील्ड इंटरनल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फील्ड इंटरनल होता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है E2 और E1। और एक बात याद रखना, Q2 प्लस क्यू चार्ज P से पास में है, तो E2 विल ग्रेटर देन व्हाट E1। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कितना होगा E2 माइनस क्या होगा E1, क्योंकि E2 ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है बोर्ड में। सो अभी हम लोग E2 मतलब ये प्लस क्यू का वैसे फील्ड होगा, सिंपल फॉर्मूला है KQ बाय R स्क्वायर नहीं होगा एक्चुअली। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स हम लोगों को पता है ये कितना है L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस एल तो L होल स्क्वायर। सो इस माइनस क्यू से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा,
क्या तक तो एल है, सॉरी सॉरी हाँ, यहाँ तक तो एक्स है और यहाँ तक क्या एल है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद यह मिलेगा 4k q l / s³। सॉल्व करेंगे ठीक है, मैथमेटिक्स है, हाँ आपको तो प्रैक्टिस टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन यह बात याद रखना जब आप एलसीएम लोगे बाद में आपको एक काम करना पड़ेगा, एक्स को आप एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आपको एल लेना पड़ेगा कंडीशन, हाँ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तब क्या होगा एल को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तब एल को नेगलेक्ट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे 4k q l है ना बाय एक्स क्यूब, तो हम लोग क्या लिख सकते 2l q, 2l q मतलब क्या है डबल पी 2 into l q, मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो हम लोग क्या लिखा 2 k, तो k ही है यहाँ पे 2l बच जाएगा k, और बाकी जो 2l plus q है 12 into q है उसका जगह हमने क्या लिखा p डबल, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। ऐसा फॉर्मूला शायद मैंने ग्रेविटेशन में भी मिला था, 11 में सेम के साथ मिला था, ग्रेविटेशन डाइपोल में भी शायद था, यस है, तो इसको सीखा आप लोग। सो डाइपोल मोमेंट का सेकंड केस से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, मतलब सिंपली ऐसा केसेस आपको जब मैंने न्यूमेरिकल कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ऐसा ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 12, मतलब सब लेंथ 12 ही, यहाँ पे थीटा है, अभी ये जो माइनस क्यू चार्ज है ना तो इसका फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगा थीटा एल, यानी टेन एम के ई, और एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसका फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल होगा, दोनों का वैल्यू मैंने सेम लिया कि पैरामीटर सब सेम है, चार्ज का वैल्यू सेम है, ये डिस्टेंस क्या सेम है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा मीन्स, तो अब देखो ये थीटा है ना, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा इधर कॉस कंपोनेंट, इसका भी कॉस कंपोनेंट आएगा, इसका एक साइन, इसका एक साइन, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, अभी तो बेसिक बहुत सीख लिया अभी तो, ये तो समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अभी रिजल्टेंट जो होगा ई डी टू ई कॉस थीटा होगा, टू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला पहले लिखा है इनटू कॉस थीटा, फिर टू लिखा है के क्यू, अभी जो आर है ये डिस्टेंस है, ये अगर ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें मैंने क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है एक्स है एक्स स्क्वायर, तो मैंने आर स्क्वायर का क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा लिखो आपको क्या आएगा एल बाय आर आएगा बेस बाय एच आर, तो एल बाई आर है, तो आर का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आर का जगह लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं देखे मैंने आप देख सकते हैं, हाँ रूट नहीं देखा, आर का जगह मैंने क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हाफ फॉर्म, तो ऊपर में मैंने क्या लिखा टू क्यू इंटू सॉरी टू एल इंटू क्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो टू एल क्यू इंटू टू एल मतलब क्या है डाइपोल मोमेंट पी, तो के डाइपोल मोमेंट पी, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी तो वन है, आप देखो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 आएगा कैलकुलेशन करने से, तो 3/2 ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि एक्स को अगर एक्स वेरिएबल ग्रेटर देन एल होगा तो एल को हम नेगलेक्ट करेंगे तो के पी बाई क्या होगा एक्स क्यूब, और वहाँ पे क्या था एक्सेल लाइन में कितना था 2 k p / x³ था, इसका मतलब है बाय सेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू डाइपोल वो आपका एक्सेल से क्या है डबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नेक्स्ट हम लोग को मेनली पढ़ना है एक न्यूमेरिकल कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं तुरंत बनाऊंगा, तो अभी तक दो वीडियो हो गया आज का दिन में, सो इसको तब तक क्लियर करो